जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सदुल्ला पाक, फ्लैट प्रॉपर्टीज, बैरियर टाउन, कराची से। और आज हम लोग हिलक्रेस्ट रेजिडेंसी के मॉडल अपार्टमेंट के अंदर हम लोग मौजूद हैं। और आज हमने अपने साथ इनवाइट किया था आतिफ जावेद भट्टी साहब को, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से है। तो आतिफ भाई को हमने पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स जो हमने वो दी है, इनको पूरा अपार्टमेंट जो है विजिट करवाया, पूरा प्रोजेक्ट का एक पूरा ब्रीफ से विजिट जो हमने इनको करवाया है। तो इनका रिव्यू हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हिलक्रेस्ट रेजिडेंसी के हवाले से आतिफ भट्टी साहब का क्या ओपिनियन है। आतिफ भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकाल कर आप यहाँ पर आप तशरीफ लेकर आए हमारे पास। आतिफ भाई, ये बताइएगा कैसा आपको लगा कि ये हमारा प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या रिव्यूज हैं? देखें असद भाई, अभी तक बहरिया के अंदर गाइस आपको पता है कि बहुत सारे बिल्डर्स ने विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए बहरिया के अंदर बहुत सारी लोकेशंस पे। इवन मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे दूँ कि हर प्रीसेंट की सराउंडिंग में यहाँ पे कमर्शियल है। तो अभी तक जितने भी कमर्शियल आबाद हुए हैं, बहुत सारे नाम हमारे फिंगर टिप्स पे हैं जिनके साथ हम लोगों ने सिल्वर पार्टनर, डायमंड पार्टनर, प्लाटिनियम पार्टनर बन के काम किया। लेकिन जो रियलिटी है, मैंने यहाँ पे आके फील की, चीज़ों को देखा, एक एंड यूज़र एक ड्रीम हाउस जो देखना चाहता है, तो ये वाला प्रोजेक्ट आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। इसमें असद भाई देखें, एक बंदा ख़ास तौर पे हमारे जो ओवरसीज़ हैं, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है उनकी, तो मैं तो यही चीज़ चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर उनको लाजमी अपना एक ड्रीम अपार्टमेंट बुक करवाना चाहिए जहाँ पे हर तरह की अमेनिटीज़ और हर तरह की प्रोडक्ट, इवन छोटी से छोटी चीज़ वो भी आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई है बिल्डर की तरफ से। चीज़ों का देखें, एक होती है आर्टिफिशियल, लोग यहाँ पे बना रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसमें प्योरिटी नहीं है, हकीकत से चीज़ें वो जुड़ी हुई नहीं है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके हमने अपार्टमेंट का विजिट किया, चीज़ें देखी। सबसे बड़ी चीज़ होती है असद भाई, कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें आपका फ्लोर प्लान बहुत इम्पोर्टेंट जो होती है, उसकी इम्पोर्टेंस होती है कि आपने उसकी स्टेयर्स कहाँ पे रखी हैं, आपने कितना ग्रॉस एरिया है, कितना नेट आपको लोग जो है वो अपने एंड यूज़र को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर बिल्डर्स बना बना के धड़ाधड़ दे ज़रूर रहे हैं, हैंड ओवर ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, देखें मैं लेट्स सपोज एक ओवरसीज हूँ, मेरी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, आपने मुझे 1800 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट दे दिया है, उसमें ग्रॉस एरिया आप मुझे कह रहे हैं जी 1800 है, मैंने पैसे 1800 के दिए हैं, जब मैं अपार्टमेंट के अंदर आ रहा हूँ मुझे वो नेट एरिया मिल रहा है 1200। ठीक है, अब जो ऊपर का 6-650 है वो तो चला गया ना, सारी चीज़ें नीचे से हम लोग ऊपर आए हैं, तकरीबन 15-20 मिनट चीज़ों को मैं देखता रहा हूँ, तो मैं प्योरली कहूँगा कि बहुत सेटिस्फाई हूँ मैं चीज़ों को देखते हुए। ठीक है, और वो फिर जितनी भी तारीफ कर लें कम है, लेकिन मैं गाइस आपको उनसे कहूँगा लेना ना लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह की प्रॉपर्टी को आप लोग जरूर टाइम निकाल के बहरिए के अंदर विजिट करें। चाहती भाई, जो चीज़ हम अपनी मार्केटिंग के अंदर अब तक हम लोग जो लोगों को पिच कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से, वो हम ये कह रहे हैं कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ, आपको शायद कहीं और देखने को मिले, और उसी चीज़ के जो है ना मेन पैसे हैं। तो आपने आके विजिट किया तो आप ये बताएं, जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपने मॉडल अपार्टमेंट तो देखा ही है, आपने एक्चुअल में जो अपार्टमेंट्स हमारे बन रहे हैं इनके 15 फ्लोर तक हमारा टाइल वर्क जो है कम्प्लीट हो चुका है, तो क्या आपको चीज़ें सेम नज़र आई हैं उसी तरह से, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के हवाले से क्या आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है? देखें असद भाई, इसमें कोई शक नहीं है, असल में जब बिल्डर्स आपको चीज़ें दे रहे होते हैं ना बना के, तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होती है जिसमें से वो अपने पैसे बचाते हैं मटीरियल, तो सारी जो आपकी ग्रेस होती है वो आपकी फिनिशिंग पे होती है, ग्रेस स्ट्रक्चर में ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट सारा सेम होता है। ठीक है, जो आपकी चेंजिंग्स आती हैं वो फिनिशिंग में आती हैं। ठीक है, हर चीज़ की जो प्राइस है वो इस वक्त बहुत बढ़ चुकी है, और जो चीज़ें मैंने देखी हैं असल में यहाँ पर हर चीज़ एक्यूरेसी में, मतलब हकीकतन जो पैसे बंदा पे करेगा उसको वो चीज़ें लाजमी ही मिलेंगी जिस चीज़ के वो पैसे पे कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जिस तरह आपने मुझे मॉडल अपार्टमेंट दिखाया, हमने दूसरा ग्रे स्ट्रक्चर में भी देखा है, ठीक है, उसमें भी चीज़ें लग रही हैं, वो ऐसी चीज़ वैसी ही हैं, तो इस बात में कोई वो शक व शुबात नहीं है कि जी एक मॉडल अपार्टमेंट बहुत अच्छा बना हुआ है लेकिन जो दूसरे बन रहे हैं उनमें कोई डिफरेंस है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये चीज़ें मैंने भी देखी हैं, तो इसमें जो वुड का काम किया गया है और जो यहाँ पे स्टील यूज़ की गई है या इस तरह की टाइल्स यूज़ की गई हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। इवन हम अगर कंपैरेटिवली इस प्रोजेक्ट के अलावा बहरिया के अपार्टमेंट्स को या फर्दर जो यहाँ पे, ये सवाल पूछने वाला था, हाँ, तो उसमें देखें असद भाई, ये चीज़ है कि
टाइल्स की एक छोटी सी चीज है आपकी फ्लोर पे लगती है टाइल्स, यहाँ पे जो टाइल्स यूज की गई हैं ये इटालियन कंपनी है जिसकी ये टाइल्स यूज की गई हैं, इनके मोनोग्राम भी मौजूद है, मैंने गुजरते हुए देखा उस चीज को बड़े गौर से। पाकिस्तान के अंदर जो टाइल्स यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग खुद भी बिल्डर हैं, मास्टर के टाइल को लोग बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं यहाँ पे कि बहुत अच्छी है, चार पाँच साल जाती नहीं है, तो यहाँ पे मोस्टली बिल्डर्स आपको धड़ाधड़ बना के दे रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है टाइल, वो बहुत लो क्वालिटी की यूज़ हो रही होती है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे बिल्डर अपने पैसे बचा रहा होता है। तो वो होता क्या है कि टाइल के ऊपर एक पॉलिश मटेरियल आपका मौजूद होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम दो तीन साल के बाद जब उस पे से आप गुजर रहे हैं, आपने उसको वॉश भी करना है और सारी चीज़ें, वो अढ़ाई साल के बाद उसका वो ऊपर से लिक्विड वाला सिस्टम जो मटेरियल यूज़ हुआ होता है सब भी वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो जो नमी होती है टाइल पकड़ना शुरू कर देती है जो नीचे फ्लोर तक जाती है, ठीक है। तो ये जो टाइल्स भी यहाँ पे यूज़ की गई हैं, छोटी सी चीज़ है एक टाइल्स, वो भी इटालियन कंपनी की यूज़ की गई हैं, और वो सिर्फ इस मॉडल अपार्टमेंट में नहीं है, मैंने अभी रिसेंटली विजिट किया है, बिल्कुल इसकी आगे वाली साइड पे टू बेड था, टू बेड था जिसको वो तैयार कर रहे थे और उसके अंदर वो चीज़ें यूज कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये टाइल जिस चीज़ से नीचे चिपकाई जाती है, बॉन्ड उसको हम लोग अपनी जुबान में कहते हैं, वो भी एक अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, अगर आपकी हिल क्रिस्टल रेजिडेंसी के हवाले से किसी किस्म की क्यूरीज हो तो आप उसके लिए हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।